नज़ारा देखो यहाँ के, इस होटल की ना वाइब्स बहुत बढ़िया है यार। सही भाग गया बंदर का। सर एक्टिविटीज क्या है यहाँ पे? सिस्टर को भी थोड़ी तबीयत खराब, मेरा खाना नीचे नहीं पहुँचा, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग आ रही है। चप्पल रेंट पे मिल जाएगी, पानी बहुत ठंडा है और पानी का फ्लो इतना तेज है ना। वाह 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 वाह, वेरी गुड। अभी वो देखो ऊपर का क्या बात है, पानी निकल रहा है इसके बीच में से, ये देखो ये नीचे गिर जाएगा। यहाँ हमारी चल रही है ऊनो गेम, स्ट्रोक है इसका। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज हम यहाँ से निकलने वाले हैं अपने घर के लिए। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 एंड टाइम पर उठगा जो वैसे जनरली हम उठते हैं 10 बजे तक, रेडी होते हैं 10 बजे तक। अभी हम आज जल्दी उठ गए हैं, अब फटाफट रेडी हुए और यहाँ से निकलेंगे ब्रेकफास्ट करके। और आज हमको यहाँ से निकलना भी है और रास्ते में दो तीन चीज़ें एक्सप्लोर भी करनी है। अब ये देखते हैं कि देहरादून जाना है या ऋषिकेश, जैसे जैसे होगा हो सकता है दोनों चीज़ें कवर अप कर लें। टाइम हमारे पास कम होगा क्योंकि हमारे को दोपहर 2 बजे के आसपास हम घर में निकलेंगे ताकि हम रात को 9-10 बजे आराम से घर पहुँच जाए। खड़ा हो जा भाई, जल्दी खड़ा, तूने घर नहीं जाना? चलो रो, तू यहीं रह फिर, ठीक है? इसमें है क्या? दिखा तो देखो ना। चलो मैं आपको यहाँ अपनी बैल्कनी का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो भाई मॉर्निंग व्यू अपनी बैल्कनी का, क्या नज़ारे हैं भाई, नज़ारे देखो यहाँ के, इतना पीसफुल है ना यहाँ पे। यहाँ पे ना ग्रीनरी बड़ी अच्छी है, बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे और देख के इतना अच्छा सा लगता है। और ठंडी ठंडी हवा, ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है सुबह सुबह। रात को इतनी बढ़िया नींद आई ना, एंड रात को तुम थोड़ा जल्दी सो गए थे, जल्दी का मतलब बोले तो अराउंड 2:30 बजे सो गए थे, तभी हम थोड़ा जल्दी उठ गए। अदरवाइज तो भाई यहाँ पे बज जाते 10 और निकलते हैं 12 बजे एज यूजल जो हम निकल रहे थे। तो चलो फटाफट रेडी होते हैं, देन मैं आपको मिलता हूँ, यहाँ से निकलते हैं, सामान वगैरह सारा पैकअप करना। हमारा होटल जो है भाई एकदम लोकेशन बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसी प्लेस पे है कि सनराइज से होगा तो एकदम सारी वेव्स यहाँ पे आती है। इस होटल की ना वाइब्स बहुत बढ़िया है यार। चलो चलते हैं अंदर। ओए खड़े हो, चलो उठ जाओ उठ जाओ, चलो 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 खड़ा हो। आज पहले ही उठ गया ना, आधा 5 मिनट पहले। समझ नहीं आ रहा मुझे, ये पता नहीं क्या लेके सो रहा अंदर इतनी देर से, क्या है ये? भाई साहब पिल्लो लेके दबा, पिल्लो दबा के सो रहा अंदर भाई साहब। ये ले भाई सो जा, लव भाई के पिल्लो। भाई 9 बज गए, खड़े हो लोग। फिर रात को तो ड्राइवर को हम कह रहे थे 8 बजे तक आ जाएंगे, वो ही बेचारा। ये दोनों रेडी हो गए हैं, तो अभी बस मैं रेडी हो रहा हूँ वैसे। ओके गाइज वी आर रेडी, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, सारा सामान पैक हो चुका है और अभी यहाँ पे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, देन हम यहाँ से निकलते हैं। वैसे 11 बज चुके हैं निकलते निकलते, एंड रास्ते में मुझे लग नहीं रहा कि हम रुक पाएंगे या नहीं, बाकी जैसे भी हो रास्ते में भी देखते हैं चल के, क्योंकि टाइम हमारे पास अब थोड़ा कम हो गया, जाने में 7 घंटे लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली, एंड थोड़ा बहुत जो ब्रेक लेते हैं खाने पीने का वो भी ऐड करना पड़ेगा है ना। तो फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, देन आगे प्लान करते हैं क्या है। रूम सारा अपना खाली हो चुका है, सामान हमने सारा बाहर कर दिया। चलो कोई है क्या अंदर? अंदर ही बैठा रहा, हम जा रहे हैं भाई। बाय बाय भैया, सामान ये ठीक है। तो यहाँ पे भी सारा सामान भाई खाली हो चुका, अच्छे से देख लिया, ठीक है। निकलने से पहले भाई सारा अच्छे से चेकआउट कर लो ना, कुछ रहना नहीं। ये ब्यूटीफुल से नज़ारे को भी बाय बाय करते हैं भाई, बड़ा मस्त नज़ारा था भाई। गाड़ी अपनी है खड़ी नीचे, भाई साहब इतनी ग्रीनरी। चलो चलो भाई अब करते हैं ब्रेकफास्ट। मेरे तो जो चीज से ही भाग गया बंदर जब घर में आया था। अरे मेरी बहन दिख गई। तो भाई हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड अभी हम जा रहे हैं इको पार्क। देखो क्या होता है ना, कई बार ये जो हम प्लान करते हैं वैसे तो बिल्कुल हो नहीं पाता। हमने जैसे जैसे प्लान किया था ना अपना ट्रिप, हम इतने बजे यहाँ जाएंगे एंड यहाँ से ये जगह कवर अप करेंगे, इतनी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे, भाई कुछ भी वैसा नहीं चल रहा है और होता भी नहीं है जनरली, जो हम प्लान करते हैं वैसा नहीं हो पाता। तो अभी हम जाने वाले हैं यहाँ पे इको पार्क। एक्टिविटी पहले पूछ लेंगे, देखो एक्टिविटी है कौन कौन सी यहाँ पे, ठीक है ना। सामने का व्यू देखो भाई कितना अमेजिंग लग रहा है, कल हम यहीं वॉक करते करते आए थे एंड ये सामने है इको पार्क।
सर एक्टिविटीज़ क्या है यहाँ पे इको पार्क में? भाई देखो, हम लोग गए थे इको पार्क और वहाँ पता लगा कि वो बच्चों का है, तो हम आ गए वापस, ठीक है। फिर वहाँ देखा कि वहाँ बंदर वगैरह ज़्यादा हैं, तो सिस्टी को हमने वहाँ छोड़ दिया था। पर अपनी गैंग के अब हम यहाँ से निकल रहे हैं फाइनली, ठीक है। अब ये देखते हैं कहाँ जाना है। ऋषिकेश हम नहीं जा रहे हैं, हरिद्वार भी हम नहीं जा रहे हैं, बट फिर भी नहीं पता क्या प्लेन कब चेंज हो जाए। तो भाई अभी ना हम जस्ट मतलब एक घंटा हुआ लगभग हमारे को चले हुए, और सिस्टर को भी थोड़ी तबीयत खराब, मतलब वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है। इस भाई को भी थोड़ा थोड़ा वोमिटिंग जैसा फील है। और तुझे मेरा खाना नीचे नहीं पहुंचा है, बस निकलना जाए। और उसका तो बाहर ही ऑलमोस्ट है ना। और मुझे तेरे को बहुत ज्यादा वोमिटिंग आ रही है, चारों के मुंह पे करूंगा मैं। अबे यार इसलिए ऑपरेशन के बाद जब कैमरा बंद कर दो, जब लेके आया करो। तो गाइस एक एडवाइस देना चाहूंगी मैं आपको, हर दे वो एडवाइस बस दे देगी नहीं तो। गाइस मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी, ब्रेकफास्ट के जस्ट बाद आप ट्रैवल मत करना, कम से कम 10-15 मिनट की वॉक जस्ट टू डाइजेस्ट इट, फिर वॉक करना वॉमिटिंग नहीं होगा। गाइस जस्ट फॉर FYI। और अपने साथ गटली दालचीनी इलायची, वो तो हम खा ही रहे हैं, वो तो हम खा ही रहे हैं। कुछ नहीं होगा, घंटा नहीं होगा। ठीक है, मेरी हालत ठीक नहीं है, कुछ नहीं होगा। अभी ऐसे हमने थोड़ा सा फिर ब्रेक ले लिया, ऐसा ना किसी की ज्यादा तबीयत खराब हो जाए। आराम से सो रहे हैं, बट और आगे से कुछ चक्कर आ रहा है। कहीं नहीं सो रहे, साला लेटा हुआ है जबरदस्त। तो फिलहाल अभी हमें पेट्रोल पंप पे, अभी हमने फ्यूल ब्रेक लिया है, अभी यहाँ फ्यूल डलवा रहे हैं। हो गया भैया? यहाँ डलवाया हमने 3,000 रुपये का, और पहले डलवाया था हमने 4,000 का। अभी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर हो रहा था, 20-22 किलोमीटर रोबर्ट्स केव जा रहे हैं हम देहरादून। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे गुच्छू पानी यानी रोबर्ट्स केव। अभी हमने गाड़ी यहाँ पार्किंग में लगा दी है, 40 रुपीज पार्किंग चार्जेस है। यहाँ देखिए तो कितनी बड़ी पार्किंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। एंड वो सामने देख सकते हो ना, वो सामने है एंट्री रोबर्ट्स केव की। ये देखो, शूज़ गाड़ी में रख दिए हैं, स्लीपर्स डाल लिए हैं क्योंकि अंदर पानी होगा ना, तो इस वजह से। एंड अगर आपके पास चप्पल नहीं है तो यहाँ पे रेंट पे मिल जाती है। भाई साइज़ देख ले अपने हिसाब से, वो देख रहे बोले देख साइज़ आ जाएगा तेरे पास, आपको यहाँ पर चप्पल रेंट पर मिल जाएगी, ठीक है। 10 रुपीज़ का रेंट है यहाँ पर। सही है चप्पल ये वाली? अपने शूज़ हमने अंदर रखवा दिए हैं, जब वापस जाएंगे ना तो लेते हुए जाएंगे यहाँ से। शूज़ चप्पल ले लेंगे, शूज़ ले लेंगे। 10 रुपये रेंट है ना एक उसका। तो भाई 35 रुपये एंट्री है यहाँ की। ओके, ले ली टिकट? ये टिकट काटने वाली लड़की बन गई है अब। अच्छे हैं लड़की है। चल चल, कम ऑन गाइस। हाय ब्रो, हाय ब्रो, हाय ब्रो। ओके, पीसफुल। ये वहीं केव में से पानी आ रहा होगा, अभी अंदर चलेंगे भाई, मस्त मस्त भी आएंगे। आकर्षण बड़े लग रहा है चप्पल में। तो सूट कर रही है। हाय गाइस, ये देखो मेरी क्यूट से रेंट से लियो स्लीपर्स, मैं सोच रही ये भी चली जाएगी इसको लेके, 10 रुपये में पार कर लेगी ये। क्यों डरा रही है सबको? हाय गाइस, जूड़ा बना के हाथ बहुत गर्मी है आज, बाल खोलने पड़े। चप्पल किराया 10 रुपए में, मिसिंग 100 रुपए। भाई अगर सस्ती चप्पल गुम कर दी तूने शिवानी, सस्ती की महंगी है गाइस, हमारी सस्ती चप्पल है। चप्पल गुम करने का 100 रुपए है, हमारी सिर्फ 120 रुपए है, सस्ती की चप्पल है 200-250 रुपए। इससे सस्ती को छोड़ देंगे ज्यादा अच्छा है, 200 रुपए खराब कर रहे हैं ना भाई। पता नहीं कौन लड़की ला गई, बेचारी ही परेशान। ठंडे ठंडे पानी में लैंड करेंगे अपन। हेलो गाइस, पानी बहुत ठंडा है और मज़ा आ रहा है, लोग भी अच्छा खासा है, अभी अंदर तक चलेंगे। शाबाश लड़के,
भाई पानी का फ्लो इतना तेज है ना, पैर पीछे भाग रहे हैं अपने आप ही। कितना गहरा हो गया ज्यादा नहीं है, है नीस तक ही। आजा बिच्छू पानी आना शुरू होगा। अगर आप देहरादून आते हो ना या मसूरी आते हो, वापसी में आप जा सकते हो यहाँ से। अच्छी जगह है काफ़ी, एक ना डिफरेंट प्लेस है टोटली। बाकी पानी वाली जगह तो यार बहुत सारी होती है, शहर से ज़्यादा भी है काफ़ी जगह। बट ये देखो कितना सुंदर है ना, यहाँ पे देखो पहाड़ों के बीच में से बिल्कुल ऐसे वाटर चल रहा है, हर तरफ ऊपर ग्रीनरी एंड यहाँ बीच में सनलाइट आती है ना, तो बहुत ही मतलब अलग ही व्यू आता है यहाँ पे। इतना मेसमराइजिंग ब्यूटी है ना, मतलब मज़ा आ रहा है यहाँ पे। काफ़ी अंदर तक है ये जाके, अभी तो धूप तेज़ नहीं है ज़्यादा, वरना यहाँ पे धूप नीचे आती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। वाह 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 वाह, वेरी गुड। चलो 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 चलो, अंदर जाते आओ, पानी और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। पानी कितना फ्लो का आ रहा है भाई, ऊपर देखो व्यू देखो ऊपर का, क्या बात है। देख कैसे पानी निकल रहा है इसके बीच में से, ये देखो ये देख भाई, पानी आ गया पूरा यहाँ तक, घुटनों से वो ऊपर चला गया, पर अल्टीमेट मजा आ रहा है भाई। देखो पत्थरों में से पानी निकल रहा है, फिर आता कहाँ से होगा पानी, है ना आगे की साइड का तो और भी कह रहा है, मतलब यहाँ यहाँ तक है आगे ना, तो इसलिए हम आगे जा नहीं पाएंगे। वो देखो पत्थर ऐसे लगा हुआ जैसे किसी ने फंसा रखा हो या नीचे गिर जाएगा, मतलब है तो नेचुरली बट लगा ऐसा रहा जैसे नीचे गिर जाएगा, जैसे फंसा हुआ है वहाँ पे। अरे मत जा आगे, यहाँ गहरा हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। बढ़िया था मुझे ना, पानी डुबकी तो लगा ले यहाँ पे, ऋषिकेश में तो तू जा नहीं सकी। सब डलेगा ये। चलो जी खत्म अपना यहाँ से, अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। यहाँ हमारी चल रही है ऊनो गेम, क्या रह गया ये नहीं जानता, पत्ते मत देख मेरे, ठीक है आज मैं इनको हरा दूंगा, इन्होंने मेरे को पहले गेम में हराना, मैं इनको पहले नहीं बहुत सारे गेम्स में हरा दिए भाई, नहीं नहीं सीखे ना मैंने, क्या करें। अच्छा सॉरी मैं पत्ता दिखा रहा था तेरे को, मैं देखा भाई देख लिया मैंने तो देख। चुके हैं रात के 8 एंड अभी हमने यहाँ पे ब्रेक लिया है डिनर करने के लिए, यहाँ से अपना घर लगभग 120 किलोमीटर रह गया, तो खाना खा के यहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अभी हमें रुके हैं मूलचंद पे, इस वाले हाईवे पे ना ज़्यादा खास ढाबे नहीं है कुछ, मतलब बहुत ही गैप के बाद मिलते हैं, तो भाई जहाँ कुछ बढ़िया मिले ना खा लो साथ साथ। अंदर बैठते हैं, मैं जीत गई थी गेम लेकिन तुम डर गए हारने से। क्यों
लो भाई अपनी आगे शिकंजी यहाँ पे और चाय आ रही है। वो कैस्ट्रो का है इसका। अच्छा चलो पहले चीयर्स कर लो, तू खाली हाथ लगा ले। अच्छा खाली हाथ लगा ले, चलो भाई चीयर्स करो। चीयर्स, ये चीयर्स हो गया, ये चाय का चीयर्स हो रहा है। फाइनली हमारा ये ट्रिप ओवर होने को जा रहा है। सोचा था हमने कि हम 10-15 जगह जाएंगे, पर हम गए सिर्फ नहीं, हम गए एक तो हम गए जॉर्ज एवरेस्ट, बस वहीं गए। उसके अलावा अरे बोलना, अरे बोल चुकी है। अच्छा ठीक है, तो अगर शिपाही रह गया भाई आप बताओ। बहुत अच्छा ट्रिप रहा आगे, बस बढ़िया। तो फिलहाल अभी हम दिल्ली पहुंच चुके हैं एंड लगभग 1.5 घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे। यहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर के आसपास हमारा घर आता है। थैंक यू एवरीवन, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय। एंड अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चलो इस वीडियो को एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस पूरी सीरीज के अंदर मजा आया हो तो फिर वीडियो को लाइक शुरू कर देना। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।